दोस्तों, पुशअप एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जो बगैर जिम और बगैर इक्विपमेंट के आप घर पर ही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये है कि इस एक्सरसाइज से आप एक साथ कई मसल्स को टारगेट कर सकते हैं। आजकल पुशअप को फिटनेस की फील्ड में एक फंडामेंटल एक्सरसाइज की तौर पर देखा जाता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नॉर्मल पुशअप करके आप शरीर के अलग अलग मसल्स को टारगेट कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शरीर की अलग अलग मसल्स को बिल्ड करने के लिए पुशअप में वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पुशअप वेरिएशन के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने मल्टीपल मसल्स को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, पुशअप एक्सरसाइज करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इससे हमारी अपर बॉडी ताकतवर बनती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत मजबूत होता है, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और कलाइयाँ भी मजबूत होती है। इसके अलावा पुशअप को अलग अलग वेरिएशन में करने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पांच ऐसे पुशअप वेरिएशन के बारे में जिनसे आपके मल्टीपल मसल्स एक साथ ट्रेन होंगे। नंबर वन, हिंदू पुशअप। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बहुत जल्दी ताकतवर बने तो हिंदू पुशअप आपको ज़रूर करना चाहिए। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में सीख जाएंगे। दोस्तों, इस पुशअप को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथों और पैरों की मदद से अपने शरीर से एक बी क्रिएट करना है। उसके बाद अपने शरीर को नीचे की ओर ले जाते हुए सूर्य नमस्कार वाली पोजीशन में आ जाना है। इस एक्सरसाइज से आपके पूरे शरीर पर लोड पड़ता है और आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है। नंबर टू, माउंटेन क्लाइंबर पुशअप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपका चेस्ट तो मजबूत होता ही है, इसके अलावा इससे आपके लेग्स और एब्स मसल्स भी बहुत जल्दी बनते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आ जाएं और एक पुशअप लगाने के बाद में अपने दोनों लेग्स को तेजी से आगे पीछे की तरफ मूव करें, जिससे कि आपके चेस्ट के साथ साथ में आपकी लोअर बॉडी भी ट्रेन हो। नंबर थ्री, वॉल प्लैंक पुशअप। दोस्तों, ये एक्सरसाइज थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर आप इस पुशअप का रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। दोस्तों, इस पुशअप को लगाने के लिए आपके पैर जमीन की जगह दीवार पर होने चाहिए। बाकी रेगुलर पुशअप की तरह ही आप इसको परफॉर्म करें। इस पुशअप को करने से आपका चेस्ट और कोर मसल्स बहुत जल्दी बनता है और डौले सौले भी मजबूत हो जाते हैं। नंबर फोर, क्लैप पुशअप। दोस्तों, ये भी एक एडवांस लेवल की पुशअप है। अब दोस्तों, घर में ही रहकर अच्छी बॉडी बनानी है तो सीखने के लिए थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। इस पुशअप में आपके पैर पीछे से जुड़े होने चाहिए और नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आकर नीचे की तरफ जाना है। और दोस्तों, ऊपर आते समय आपको पूरा जोर लगाते हुए बॉडी को हवा में लहराकर एक ताली बजानी है और वापस नॉर्मल पुशअप वाली पोजीशन में आ जाना है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस पुशअप से आपके हाथों में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप भारी भरकम काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पुशअप से आपका चेस्ट तो मजबूत होता ही है, साथ में आपकी बैक और कोर मसल्स भी मजबूत होने लगते हैं। नंबर फाइव, नॉर्मल पुशअप। दोस्तों, ये पुशअप दिखती तो आसान है, लेकिन आसान है नहीं। ज़्यादातर लोग इस पुशअप को गलत टेक्निक से करते हैं, इसलिए उनको आसान लगती है और इसका उन्हें कोई खास फायदा भी नहीं होता है। इस पुशअप का अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो सही फॉर्म के साथ करें। बहुत जल्दी जल्दी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको स्लो नीचे जाना है और स्लो ही ऊपर आना है। इसके अलावा आपके हाथ शोल्डर विड्थ से ज़्यादा भार नहीं होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा क्लोज होने चाहिए। तो दोस्तों, ये पांच तरह की पुशअप अगर आप कर लेते हो तो आपको एक फिट बॉडी बनाने के लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही रहकर अच्छी बॉडी बना सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।